फ्रॉम वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग जो है आज ईद का दूसरा दिन है और हमारा प्लान यही था कि हम जाएंगे करीब पार्क, तो वहाँ पे वीडियो बनाएंगे, आप लोगों से शेयर करेंगे। पर अभी हम ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके हैं, अभी पार्क जाने का टाइम नहीं है, तो अभी आपको बस जो खूबसूरत नज़ारे हमारे करीब है वहीं आपको दिखाते हैं। हमारे कुछ दोस्त आए हैं, गाड़ी में बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बिलाल भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। موږ روان غزین چې چرته لړ شو اړومبه په دې مرکز تراتې کې زیاده نه دا خبره ټیک ده موږ به کې دا ورته کې وای دا خبره مله ورته دې ورته کنه نن دلته نه دې چې دا دې مرکز ته دې جوړ لگا الدا وبس نیو صاحب ایبا چرته مور سي نو درو نو خیر دې مونږ بلې कम जाओ अभी काफ़ी लेट हो चुकी है, देखते हैं कहाँ जाते हैं। सबसे पहले तो मगरिब की नमाज़ पढ़ लेते हैं, तो मगरिब के बाद तो कहीं घूमने का टाइम नहीं होता, और चलो देखते हैं कि कहाँ चलते हैं। हाँ मुनीर भाई, क्या कर रहे हैं आप? हम यार सेल्फी और पिक्चर वगैरह बना रहे हैं। अच्छा, तो गुस्सा क्यों हो रहे हो? ये काबल रिवर का पानी है कि काफी गहरा भी और काफी ठंडा भी है। ये हमारा तबलीग का बहुत बड़ा मरकज है, और तो अभी इसमें कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी हो रहा है। नौशेरा का तबलीगी मरकज, एक पुल वो भी है जो कि पैदल लोगों के लिए। हम पहुंच चुके हैं पार्क के करीब, अभी भी काफ़ी रास्ता है, पर ये अपने पिंडी वाले दोस्तों को मैं यही बोलना चाहूँगा कि वहाँ पे हम जिस रोड को पेशावर रोड बोलते हैं, ये वही रोड है जो कि 26 नंबर से गुजर के पेशावर आता है। तो अगर हम इस रोड से बिल्कुल इसी डायरेक्शन में जाएंगे तो हम 26 नंबर पहुँच जाएँगे, पर अभी हम 26 नंबर पहुँचने वाले नहीं हैं क्योंकि हमें छुट्टी इंजॉय करनी है। अभी हमारी ईद की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो अभी आप लोगों को हम दिखाते हैं। इस रोड से हमारे पास दो पार्क आते हैं जो कि हमारे करीब होते हैं। पहला नंबर पार्क जो है उसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पर काफ़ी रश होता होगा, क्योंकि वो पुराना पार्क है, वहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं घूमने फिरने, और आज ईद का दूसरा दिन भी है तो काफ़ी लोग आए हुए होंगे। मैं आप लोगों को वो जगह भी दिखाता हूँ कि पहला पार्क कहाँ पर आता है, ये आप लोग चेक कर सकते हैं। काफ़ी लोग घूमने के लिए आए हुए हैं। अल्लाह शुक्र है हम गाड़ी में नहीं आए, बाइक में ये है कि वो थोड़ी सी जगह भी मिल जाए उसमें निकल जाती है। हमें भी रास्ता दो भाई, टेक अ साइड। वहाँ पे वो बंद रक्शे बहुत ज़्यादा होते हैं और यहाँ पे जो है तेज़ रफ्तार, हर जगह तेज़ रफ्तार आपको दिखाई देंगी, क्योंकि यहाँ पे इनका राज चलता है और वहाँ पे उन बंद रक्षों का।
और उनके बनस्बत ये वाले सही होते हैं। एक तो इसमें सवारियाँ ज़्यादा आ जाती हैं और ये लोग जो है मज़ा भी आता है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं जिन्ना पार्क नौशेरा। जिन्ना पार्क हमारे साथ पिंडी में भी मौजूद है। मैं बार बार पिंडी का नाम इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरे सारे व्यूवर्स फ़िलहाल वहीं के, क्योंकि मेरे ज़्यादातर दोस्तों को भी पता नहीं है कि यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, क्योंकि नया नया शौक चला है व्लॉगिंग का। तो ये आप लोग चेक कर सकते हैं, अभी भी लोग जा रहे थे कि बाइक्स तेज़ रफ्तार वगैरह जा रही हैं और काफ़ी लोग बाहर भी निकले, इस तरफ से भी काफ़ी ट्रैफिक जाम है। तो अभी हम चलते हैं बिल्कुल सीधा डिज्नी वाटर पार्क। ये देखें आप लोग चेक कर सकते हैं कि ये लोग वापसी कर रहे हैं। अभी ये कन्फर्म नहीं हूँ कि उसी पार्क से आ रहे हैं या कहीं और घूमने गए थे, पर रश चेक कर सकते हैं क्योंकि आज ईद का दूसरा दिन है। और टाइम चेक कर सकते हैं, ऑलरेडी हम काफ़ी लेट हो चुके हैं, पर यह है कि हमें लेट आउटिंग का मज़ा आता है क्योंकि हम लेजी बंदे हैं। तो अभी चलते हैं आगे। अभी हम पहुंच चुके हैं अपने सीएनआईसी वाले दफ्तर। यहाँ से हम अपना सीएनआईसी बनवाते हैं, FRC वगैरह जो भी चाहिए होता है। पासपोर्ट वाला दफ्तर जो है वो पीछे। अभी जाएंगे हम बिल्कुल सीधा, अभी रश कम है क्योंकि वो जिन्ना पार्क जो था वो ज़्यादातर लोग वहीं पे आए हुए थे, उसकी वजह से ट्रैफिक तो जो था वो जाम था। अभी जाएंगे आगे। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं कि लोग पिक्चर्स ले रहे हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं, क्योंकि एक ही दिन होते हैं, एक तो नहीं तीन ही दिन होते हैं कि बंदा घूम फिर के पिक्चर्स वगैरह ले लेता है। बाकी तो टेंशन ही टेंशन है लाइफ में, महंगाई। अभी हम पहुँच गए हकीमाबाद, यहाँ का जो मशहूर पार्क है डिज्नी पार्क, जिसमें स्विमिंग पूल भी है और झूले भी है। अभी वहाँ जाएंगे हम, स्विमिंग पूल तो आज बंद होगा और पार्क में जो है झूले ले लेंगे। ये इस पेट्रोल पंप से आगे जो है पार्क आ जाते हैं और ये हम पहुँच गए हैं डिज्नी वाटर पार्क। आप लोग चेक कर सकते हैं प्ले लैंड, अभी नया नया बना है, अभी तो नहीं टाइम हो गया, कोरोना से पहले बना हुआ था। पर यह कि अभी यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, काफ़ी रश है यहाँ पर भी। चेक करते हैं क्या सीन होता है हमारा। लेट्स गो। हमारी एंट्री हो चुकी है पार्क में, अभी आप लोगों को दिखाते हैं डिज्नी वाटर पार्क। ये इसमें स्विमिंग पूल है, पर स्विमिंग पूल के साथ हमारा कोई काम नहीं है। हाँ तो मुँह खेल मुंज कही यार तो जोश तेरा शेवेदा माशाल्लाह। कम दे दिया जरा दीजिए, पार्क तो नहीं मोर गली जता नहीं मोर गई जो को जड़ उस बेले एंट्री के पता नहीं लगी ऐसे रिसो को लगा है अंदर ये तो नया एंट्री को जाएगी। सबसे पहले चलते हैं कश्ती के पास। तो मेरी जो फेवरेट झूला है, मेरा जो फेवरेट झूला है वो आखिरकार मुझे मिल गया है। इसमें भी बैठेंगे, गैस का टिकट लेते हैं। कहाँ से मिलेगा टिकट, घर कहाँ पे? रुक जा मोबाइल लेट दिला वर टिकट के लिए लाइन में खड़े हैं।
माशाल्लाह पठानों को डांस करना अच्छा लगता है। चलो मन भाई, यहाँ पे आपको कैसा फील हो रहा है? यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, ये इधर बहुत दूर आए हुए हैं। झूले लिए हैं कि नहीं? बस झूले के इंतजार में हम खड़े हैं, बहुत टिकट लिए हुए हैं लेकिन लोग बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, तो क्या कर सकते हैं आप? औरतों ने जहाँ जान शरमाई हुई है, तो समझ नहीं आ रही है क्या करें अंदर जा सकें। मुझे आप ये बताएं कि आप क्यों इधर आए हैं? हाँ, क्या आपको पता भी था कि यही सीन होगा यहाँ पे? बस दिल तो जवान है ना यार, क्या करें, तो दिल जो है ना शैतानी दिल है, वो शैतान भी आज़ाद हो गए, वो मुझे शैतान ले आया यार। मीर भाई क्या कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, किस लिए आए हैं? घूमने के लिए आए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो एंजॉय कर लिया है? एंजॉय कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। अच्छा, अभी कर रहे हैं, अभी आए हैं। एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं? बहुत ज़्यादा। अच्छा, हाँ, एक से एक। मीर भाई आप काफ़ी खुश लग रहे हैं यार, तीन दिन मुकम्मल बन गए। अच्छा, बात तो शैतान निकले है, वही सब नहीं एंजॉय करने निकले साथ में निकले। सही है, ये जो चक्कर को बकियो करना।
यार इन्हें क्या नज़म है यार इन्हें टैंकर उसी का तमाम यार ये सब बदलो बारिश तो सुलेमान बारिश है माने लालू सार बार ऊंचा नहीं सही यो मो खाले नहीं नरिशा मोदरा वाला का मलावा जिन्हें मैं कहूँ ओ ओ ओ अभी फाइनली हम बैठ चुके हैं कश्ती में मैं कम जाता है वाला देना है वाला पर ये बगीनी जल तक उधर ही करा था ऐसे के मुसलमान अभी लेते हैं कश्ती का मजा देखते हैं कि क्या सीन होता है यहाँ पे पर अगर ये जल्दी ना रोके तभी फाइनली कश्ती स्टार्ट हो चुकी है ये कहाँ पे चढ़ा हुआ है डर भी लग रहा है पर देखते हैं क्या होता है काफी ज्यादा रश है हमारे सुनने के बोले क्या कर रहे हैं आप मैं इधर बहुत नाजुक हालात है इधर क्या हुआ है आप जरा जैसे कैमरा अगर आप दाएं बाएं घुमा सकते हैं तो ये कुछ खा पी ले क्योंकि भूख लग गई है मेरा मतलब
برسادو زمرا علاقات دی میل دی کوم بار دی तो हम अभी पार्क से निकल आ चुके हैं और यहाँ पे आए ए वन मार्ट। ये जो है शॉपिंग मॉल भी और बेकरी भी है, कुछ मिक्स कम्बिनेशन सा है। इसके आगे जो है KFC है, HFC। पर हम जाएंगे ईट एंड रीड वालों के पास क्योंकि उनका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। वहाँ से पिज़्ज़ा खाएंगे। या आप चेक कर सकते हैं, ईद का दूसरा दिन है, काफ़ी रश है, बहुत से लोग खाने के लिए आए हुए हैं। हम यहाँ से आगे चलते हैं, बैरियर वगैरह लगे हुए हैं क्योंकि काफ़ी सिक्योर जगह है आर्मी वाला का। तो अभी हम पहुँच चुके हैं ईट एंड रीड। इनका टेस्ट काफ़ी कमाल का होता है। जो भी लोग यहाँ पे होते हैं नौशेरा में, तो उनके लिए मैं रिकमेंड करूँगा। और इसका नाम ईट एंड रीड इसीलिए रखा हुआ है कि जितने टाइम में पिज़्ज़ा बनता है तो उतने टाइम में आप लोग जो है लाइब्रेरी से बुक उठा के बुक्स रीड कर सकते हैं। इनका अंदर का सेटअप जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। बाहर आज रश ज़्यादा है तो बाहर भी लोग बैठे हैं। अब बिलाल भाई हमें लेके आए हैं यहाँ पे पिज़्ज़ा खाने। बिलाल भाई क्या क्या खिलाएंगे हमें आप? खिलाने तो आप आए हमें यार। अच्छा अच्छा वो दूसरी बात पिज़्ज़ा खाना है। मैं ज़रा पकाया बारबेक्यू ईट एंड रीड। आप लोग चेक कर सकते हैं इनका सेटअप। बाहर का तो नॉर्मल है, अंदर वाला सेटअप जो है वो थोड़ा सा ख़ास है। तो आज का व्लॉग इतना ही था। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में क्योंकि काफ़ी थक चुका हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।